Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 9th chemistry jiska naam hai structure of atom. Ye chapter 4th hai. To is chapter mein hum discuss karenge about electrons, protons and neutrons, that means subatomic particles of an atom. To sabse pehle hum dekh lete hain introduction kya hai. Introduction kya kehti hai? John Dalton considered atom to be an indivisible entity. जॉन डेल्टन जो थे उन्होंने एटम को कंसीडर किया एक इनडिविजिबल एंटिटी. इनडिविजिबल एंटिटी का मतलब होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है. दैट मीन्स एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आगे फर्दर डिस्कस किया गया. तो उस कंसेप्ट में एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये डिस्कवर और हुआ कि ये जो एटम है ये और फर्दर पार्टिकल्स में डिविजन हो सकता है इनका, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं. मतलब इन दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. उन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया, मतलब उनको दिखा कि क्या क्या और पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एक एटम में. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, इन द एटम. मतलब ये सारे पार्टिकल्स उनको एक एटम्स में दिखाई दिए. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चार्ज कैरी करते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ये कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं. और इन सारे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटम इन दी लास्ट चैप्टर, जैसा कि हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था कि एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है. मीन्स मैटर जो बना है वो कई सारे नंबर ऑफ एटम से बना है. बट और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की. लेकिन ये जो कंपोज्ड हुए हैं, ये कंपोज्ड हुए हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम नाम देते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो आगे हम फर्दर उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये डिस्कवर हुए हैं. तो हमारे पास जो सबसे पहला आता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी ये किसने की थी, जे थॉमसन ने. और इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी एटम में एग्जिस्ट करते हैं. इन्होंने क्या किया, ही डिड दिस यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब विच इज़ अ वैक्यूम सील ट्यूब विद अ कैथोड एंड एनोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्यूब. इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली है. वैक्यूम ट्यूब मीन्स होता है कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है उस ट्यूब में. और साथ में उन्होंने एक कैथोड रे ली है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब ली है जहाँ से पार्टिकल्स जो हैं एमिट करेंगे. और एक एनोड एट द एंड, एंड में क्या लिया है इन्होंने, एनोड लिया है. जैसे कि ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें देखिए ये पूरी वैक्यूम ट्यूब ली गई है. यहाँ पर कुछ अपरेटस लगे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है. यहाँ देखिए कंट्रोल ग्रिड लिया है. कंट्रोल ग्रिड इसलिए होता है ताकि इसमें से जो भी चार्ज पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में हो सके, ठीक है. ये है हमारा हीटर. इस हीटर की वजह से ये जो हमने कैथोड रॉड ली है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होंगे. और ये जो एनोड है ये क्या करता है, ये एनोड इन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है. तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हुए हैं. ये एनोड रॉड ले रखी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि इनका जो पाथ है इधर से उधर ना जाएं और ये एक पर्टिकुलर मैनर में एक जगह पर ही स्ट्राइक हो. तो देखिए यहाँ पर फोकसिंग कॉइल लगी हुई है, डिटेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग कॉइल है. मतलब इन सब के जो काम हैं ये अलग अलग बटे हुए हैं. और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हिट किए हैं. तो देखिए अब मैं दोबारा बताती हूँ किस तरीके से वर्क हो रहा है. इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से किया था, जो वैक्यूम सील्ड है, वैक्यूम सील्ड ट्यूब है, उसमें कैथोड एनोड रॉड ली गई है. एट द एंड जिसने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट किया है वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू द अदर एंड. अदर एंड ऑफ द ट्यूब में वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज. जो एयर है इनसाइड चैम्बर वो सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज है, मतलब हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो रही है. द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और कहाँ से जा रही है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जा रही है.
अब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, जो कैथोड रे की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कोई भी अगर आप मटेरियल ले रहे हो इलेक्ट्रोड का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जैसे कैथोड रेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी कि ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। ठीक, द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ये एक्सपेरिमेंट शो नहीं करता है कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल हैं, बल्कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो एक हमें पता चल चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है क्या। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम का। ठीक है, इनका जो मास होता है ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि निग्लिजिबल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज रहता है -1 का चार्ज रहता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है E नेगेटिव। ये जो नेगेटिव दिखा रहा है, ये जो नेगेटिव है ये क्या बताता है, ये चार्ज बताता है कि कितना चार्ज है, दैट इज -1। जिस तरीके से हम x के ऊपर 1 की वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हम 1 नहीं लिखते हैं, जस्ट नेगेटिव लिख के छोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, कैन नॉट बी विजिबल बाय नेक्ड आइज, है ना। और ये जो फाउंड होते हैं, ये फाउंड होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फाउंड होते हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, ये जो सी लिखा है इसका मतलब कूलाम है। जैसे कि और यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए, चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं कूलाम। ऐसे ही मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो है 9.1 × 10⁻³⁹ kg। ये मास एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक ये आपने पूरे के पूरे नोट्स लिखने हैं, और ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपने पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेन का यूज़ ना करें, फ्री हैंड डायग्राम नहीं होना चाहिए, स्केल एंड पेंसिल यूज़ करें। और ये प्रॉपर्टी आपने लर्न भी करने हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या बताया गया है इसमें, कि कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सारा डिस्कस, मतलब राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, और इन्हें लर्न भी करते जाएं।